Hey guys, my name is Arpit Sharma and welcome to my fifth B-boy vlog, bro. और आज का ब्लॉग है एक लोकल साइफर के ऊपर जो कि आज होने वाला है द डांस फ्लोर पुणे कैंप अंजलि कुकरेजा का स्टूडियो विच इज अ वेरी नाइस प्लेस और वहाँ पे पहले भी इवेंट हुए हैं साइफर होते रहते हैं वहाँ पे पहले स्पिन फोर पीस हुआ है वहाँ पे मेरा लास्ट ब्लॉग आया था 2-3 वीक पहले जिसको बहुत टाइम हो गया है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद अब मैं ब्लॉग बनाना बंद कर रहा हूँ या फिर मैं बोर हो गया उससे ऐसा नहीं है मेरे भाइयों बहनों क्योंकि मेरे एग्जाम चालू थे और उसकी वजह से मेरा रेड बुल BC1 भी छूटा है इसका बदला मैं लूंगा बिल्कुल लूंगा बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेकर तेरा फैजल और नाउ मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं सो आई एम बैक टू प्रैक्टिस ये 2-3 दिन से लगातार प्रैक्टिस चल रही है मैं अभी पूरा प्रैक्टिस के अंदर नहीं हूँ बट फिर भी आज बहुत मजा आने वाला है बहुत सारे लोग आने वाले हैं होपफुली क्योंकि टाइमिंग थोड़ा सा ऑड है 12 से 3 सो व्हाटएवर इट इज आई एम गोइंग और अभी दिन की 12 बजे ये है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा धूप है एंड मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं है तो आई एम गोना ट्रैवल बाय बस एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चैनल का नाम हटा के गरीब बी बॉय ब्लॉग कर देना चाहिए इंडियन बी बॉय ब्लॉग सही ठीक है लेकिन गरीब बी बॉय ब्लॉग से थोड़ा सा फील आया सो व्हाटएवर इट इज ब्रो लेट्स गो We are going to have fun, bro, be with us because it's Garib Bboy vlog, bro. तो चलो मेरे साथ मेरे भाइयों और बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों आपने कमाल कर दी है Let's go, bro. Let's go. आज साइफर हुआ था और साइफर का ये था कि हम लोग
कितना नॉलेज शेयर कर पाए, कितना सीख पाए एक दूसरे से. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे एक्नॉलेज हुआ है, सीखने को मिला है, देखने को मिला है. और ऑल ओवर पुणे के सब लोग आर्टिस्ट आए थे यहाँ पे साइफर को. वो बेस्ट थिंग था कि कल्चर को सपोर्ट किया है, सब लोग एक मिलके कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट पार्ट था. एंड सून हम लोग जल्दी वापस एक साइफर रखने वाले और जैम भी रखने वाले. तो स्टे कनेक्टेड और कनेक्ट विद अस, कम टू आवर साइफर एंड एंजॉय द कल्चर. का वापस आ गया है भाई. ओए होए 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 भाई, हाय हाय, बड़ा पाव खा रहा है लड़का. ये बंदा साइफर में नहीं आया लेकिन मुझे क्या कर रहा था. तो अभी हम लोग पार्क में पहुंचे हैं, पार्क क्योंकि 11th को एक चैरिटी के लिए साइफर है, उसके लिए, उसके विषय में हम चर्चा करने के लिए यहाँ पे आए. करें क्या क्या चर्चा. ओके करो करो क्या चर्चा. सो गाइस, एक विनती हम ऑर्गेनाइजर से करना चाहते हैं. मेरी विनती ये है कि अगर तुम जैम ऑर्गेनाइज करो, साइफर ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो ऐसे दिन पर ऑर्गेनाइज करो कि जो लोग, जहाँ पे लोग आ सके, जैसे कि संडे. अगर रखोगे संडे को तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएंगे. गौर से देखिए इस लड़के को, ये देखो, ये बेचारा ऑफिस जाके आता, ऑफिस जाके आ रहा हूं, ऑफिस जाके काम पे, कैसे साइफर करूंगा मैं. संडे को रखो, ये हमारी विनम्र विनती है. विनम्र विनम्र. ओके, सो आई एम बैक. और आज का दिन बहुत अच्छा गया और आज बहुत मजा आया और आज मैंने एक नई चीज खरीदी. स्वैग वाली टोपी, मेरी स्वैग वाली टोपी. अच्छा था आज का, अच्छा इवेंट था, वेरी गुड. ऐसे साइफर्स होते रहने चाहिए शहर के अंदर. और यही चीज़ ने हम लोगों को इंस्पायर किया. तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 11th ऑफ जून को हम लोग एक साइफर रखेंगे. ये साइफर फ्री रहने वाला है और शहर के बीच में रहने वाला है, एफसी रोड पे. इस साइफर का खासियत ये है, हम लोग इसको चैरिटी के लिए करेंगे. अगर हम लोग के पास टैलेंट है तो हम लोग उसको अच्छी जगह पे यूज़ क्यों नहीं करते. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए, उनके एजुकेशन के लिए अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाए हमारे टैलेंट के थ्रू, तो विल बी सो हैप्पी. अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, हमेशा के व्लॉग की तरह एंड में मैं थका हुआ ही रहता हूँ. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए, just do what you love and keep doing it. Peace.